मैं बताता हूँ इंजीनियर्स का कमाल। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने 3,000 करोड़ की कंपनी बना दी, वो भी एक ऐसे नीश में जहाँ टाटा जैसे ब्रांड बैठे थे। मैं बात कर रहा हूँ 2010 की, जब आईवेयर में कोई बहुत बड़ा ब्रांड था नहीं। उस समय पीयूष बंसल ऑब्जर्व करते हैं कि आईवेयर के अंदर धीरे धीरे लोग ब्रांड्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और यहाँ पे उन्हें एक मार्केट गैप दिखता है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा ब्रांड बनाया जाए जो कि अफोर्डेबल भी हो, कंफर्टेबल भी हो, गुड लुकिंग भी हो और हर एज को टारगेट करे। तब पीयूष बंसल ने अपने 2 co-founders के साथ लेंसकार्ट की शुरुआत करी। अब पीयूष को यह बात बिल्कुल क्लियर थी कि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, इसलिए उन्होंने वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग को फॉलो किया, जिसकी वजह से उन्होंने मेक श्योर किया कि उनका प्रोडक्ट तो अफोर्डेबल है ही, लेकिन फिर भी अगर आप लेंसकार्ट के स्टोर पे जाओ तो आपको प्रीमियम एक्सपीरियंस फील हो। इसका रिजल्ट ये हुआ कि इस बंदे को भले ही आईवेयर के बारे में कुछ ना पता हो, लेकिन फिर भी इसने 5x रिटर्न दिया जहां टाटा भी इतना नहीं दे पा रहा था। स्टोरी बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक कर जाना।